ये जम गया देखिए ये दोस्त देखिए मेरा पीछे रिजांगला मेमोरियल देखिए हाल क्या हो गया कार का हमारा और यहाँ पे टैंक बैटल हुआ था और दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसी जगह पे बैटल लड़ा गया था हमें यहाँ पे परमिशन का रिक्वायरमेंट पड़ा पंगोंग लेक से आना चाहते तो इस रोड भी फॉलो कर सकते हो आप बट रोड कंडीशन हमने आपको दिखा दिया और ले जाने के लिए रोड यहीं से चालू होता है ये लोमा से ये जॉइंट हो रहा है हमारा रोड ठीक है यहाँ पे टी जंक्शन मिलेगा राइट में जा रहा है ले लेफ्ट में जा रहा है हांडले दिस कैफे इज रन बाय आर्मी पर्सनल लेकिन आप यहाँ पे आकर के खाना पीना भी आप खा सकते हो ऑपरेटर आ चुके हैं पीछे ऑपरेटर पीछे आ चुके हैं और कंपनी दे रहे हैं चलिए चलो ओके एक्शन हेलो व्यूअर्स जय हिंद मैं हूं रतन विश्वास ये देखिए हम लोग लेह लद्दाख टूर का कल रात में चुसुल में हम लोग नाइट स्टे किए थे रात में काफी ठंड रहा हमारा ये कैंप के अंदर मैं क्या बताऊं अभी देखिए हवा भी चल रहा है काफी बाहर जाने का हिम्मत नहीं हो पा रहा है हमें तो दैट्स व्हाई मैं अंदर कैंप के अंदर से आपसे मुलाकात कर रहा हूं देन आगे जाऊंगा आज का जो हमारा टूर प्लान है हांडले उंगलिंगला कल रात में -7.28 डिग्री टेम्परेचर था वो था तो मैंने फ्रेश होने के लिए थोड़ा बाहर निकले थे बट मेरा हिम्मत नहीं हो पाया थोड़ी देर वहाँ बाहर रहूँ तुरंत मैं अंदर कैंप के अंदर पहुँच गया हूँ यहाँ काफ़ी ठंडी चल रहा है अभी हवा भी काफ़ी चल रहा है जैसे कि अभी सुबह 7 बजे का टाइम है और अनदर 1 घंटा बाद हम लोग यहाँ से चल पड़ेंगे तो 1 घंटा हम चाहते हैं देखिए एक बार यहाँ का व्यू आपको दिखा देना चाहता हूँ धूप तो काफ़ी अच्छा निकला देखिए दोस्त सामने आपको पहाड़ में धूप दिखाई दे रहा है हाथ काम नहीं कर रहा है बिल्कुल ए भाई थोड़ा हटो हाथ हाथ सेक लो सर एक मिनट बाद में दिखाना हाँ बताओ बात करने का मूड में हो क्या बातें करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा इतना इतना ठंड है कि आग भी काम नहीं कर रहा है आग भी काम नहीं कर रहा है ये जैसा लग रहा है हम लोग वो कौन सा नॉर्थ पोल साउथ पोल कौन सा पोल होता है सियाचिन में है सियाचिन में है ये हमारा जग का है जग दिखाएगा अभी बर्फ बन चुका है जग का है जग दिखा बर्फ वाला जग हाँ ये हमारा जो यहाँ पे जग में पानी रखे थे और 20 लीटर का जो पानी रखते हैं वो पानी भी जम गया बिल्कुल तो थोड़ा सा लग रही है हम लोग एक कट्टा किए थे इसको अभी जला के हाथ समाओ हम लोग ये कामगार कर रहे हैं का कोशिश किया जा रहा है देखिए दोस्त इतना नज़दीक भी हाथ लेके गया लेकिन मेरे को फील नहीं हो रहा है ये चुसुल से हम लोग जस्ट स्टार्ट कर दिया आगे हांडले जाऊंगा देन हांडले से उंगलिंगला तो ये देखिए हम चुसुल क्रॉस कर रहे हैं यहाँ का रोड कंडीशन देख लीजिए बहुत ख़राब है फिलहाल तो आगे पता नहीं है और यहाँ का काफ़ी चमचमाते धूप अभी निकला सवेरे का टाइम है देखिए ये लेफ्ट साइड में ये चुसुल में एक वार मेमोरियल भी है यहाँ पे चुसुल वार मेमोरियल देखिए लेफ्ट साइड में रिवर है और यहाँ से सीधा रोड आपको जहाँ तक दिखाई दे रहा है यही रोड मिलेगा आपको आप अगर तुरतुक जा रहे हो विजिट कर रहे हो और फर्दर आपको हांडले आना है तो आपका जो रूट रहेगा थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ तुरतुक लास्ट पॉइंट है वहाँ पे एक बॉर्डर एरिया है एक विलेज है और विलेज का नाम है थांग विलेज उस विलेज विजिट के बाद आप वापस जब आ रहे आप वहाँ पे हुंडेर मिलेगा बिस्किट मिलेगा देन आगे जब आएंगे यहाँ पे आपको दुर्बुक देन तांगसे देन ये जो हम लोग चुसुल एरिया में नाइस्टे किया था ये जगह और इसके बाद हम जाएंगे आगे ये हांडले तो इस रोड पे आपको जो विजिटर्स है या वेहिकुलर मोमेंट है बहुत ही कम मिलेगा क्योंकि ये रोड या रूट बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं फॉलो करते हैं ज़्यादातर लोग ले से और आपका कारू होते हुए पहुंच जाते हैं आपको हांडले तो इस रोड पे देखिए ऑफ रोड है रोड का कंडीशन बहुत ही कमज़ोर है ख़राब है पत्थर है
उबर खबर है, तो हमारा जो रूट था तो ये रूट फॉलो कर रहा हूँ। चाहे तो हमारा वीडियो देखने के बाद ये रूट भी आप फॉलो कर सकते हो, रोड कंडीशन तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। और ये जो हमारा लेह लद्दाख टूर का सारे एपिसोड देखने के बाद आपको एक कंक्रीट दिमाग में एक क्लियर क्रिस्टल क्लियर एक व्यू आ जाएगा भाई हमें क्या करना चाहिए, कौन सा रूट फॉलो करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ का रूट कंडीशन, ये हम पेंगोंग लेक से जब आ रहे हैं तो इसी रूट को हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये एक शॉर्टेस्ट रूट है। अगर पेंगोंग से फिर वापस ले जाएंगे, फिर लेह से आप मनाली वाला हाईवे पकड़ के फिर वापस हाँ ले जाएंगे तो ये आपको लंबा रूट पड़ेगा। ये थोड़ा ऑफ रोडिंग है बट ये अच्छा रोड है, ठीक है, शॉर्टकट है, थोड़ा सा चल जाएगा 130 किलोमीटर के आसपास हाँ ले हैं, ठीक है, चुसुल से चलेगा। यहाँ पे टैंक बाई एयर इनको ले आया गया था यहाँ पे, और यहाँ पे टैंक बैटल हुआ था और दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसी जगह पे बैटल लड़ा गया था, लड़ाई लड़ाए गए थे टैंक द्वारा। वो टैंक यहाँ तक लेके आना ऑन रोड दिस पॉसिबल नहीं था, बट बाई एयर इसको लिफ्ट करके यहाँ लेके यहाँ लड़ाई लड़ाया गया था 1962 में। और ये देखिए यही एरिया है, अभी हम लोग पहुंचने वाला है रिजंगला वार मेमोरियल। और ये हाल फिल में बनाया गया है, 13 कुमाऊं रेजिमेंट का जो सिपाही इस लड़ाई के दौरान शहीद हुए थे उनका याद में ये मेमोरियल बनाया गया। और दोस्त मैं एक चीज़ बताऊं, इस मेमोरियल का जो एक्सक्लूसिव वीडियो इससे पहले आपने नहीं देखा होगा, मैंने यहाँ का अधिकारी से बात करके एक वीडियो पहले बना के मैं अपलोड करके दिखाया हूँ, आप चाहे तो मेरा वो वीडियो ज़रूर देख सकते और देखना भी चाहिए। और दोस्त यहाँ पे फिलहाल अभी इस वीडियो में उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, एक यहाँ पे शो होता है मूवी शो, वो भी अलग से एक वीडियो बना के आपको दिखाया हूँ। देखिए ये जो लेफ्ट साइड में ब्लैक कलर का आपको जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, वो चाइना का अंडर में है और वहाँ पे उनका एक बंकर भी है, वहाँ पे ड्यूटी पे तैनात भी है सैनिक उनका। जिस रोड से हम जा रहे हैं ये आपका जो पेंगोंग लेक से आप जा रहा है तो हांडले तक इसी रोड अगर फॉलो करते हुए जा रहा है तो आपको बीच में चुसुल तक थोड़ा सा रोड सही मिलेगा आपको। 60 किलोमीटर का जो रोड है वो बिल्कुल सही है। देन उसका बाद जो 100 किलोमीटर का जो टेस्ट है, इस टेस्ट का वीडियो आपको शायद ही आपको मिल पाएगा और किसी ने बनाया होगा, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है यहाँ पे उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, रिसर्च के बाद उन्होंने देखा भी है ये सर, डायरेक्ट वीडियो किसी में आपको दिखाई नहीं दिया, तो फर्स्ट टाइम हो सके, फर्स्ट टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ इस रोड कंडीशन। आप इसी रोड पे जाना चाहे नहीं चाहेंगे वो अलग बात है, और रोड देखने के बाद आप कोशिश जरूर कर सकते हैं एक बार जाने के लिए, क्योंकि आपको भी एक एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि बीच में एक मेमोरियल आ रहा है, उस मेमोरियल को भी आप देख पाएंगे, क्योंकि वो मेमोरियल देखना जरूरी है। 1962 में इस फील्ड में आपको लड़ाई हुआ था, तो ये भी एक आपका मन में होना चाहिए क्योंकि इस जगह पर हम विजिट करें। तो चाहे रोड खराब हो कुछ भी हो, इस रोड पे एक बार जरूर आना चाहिए आपको। आप इतना दूर आ रहा है पैसा खर्च करके, 100 किलोमीटर कोई महीना नहीं है, आप आइए। जो बीच बीच में आपको जो हिस्टोरिकल प्लेस है, जो लड़ाई का जंग का मैदान है, ये भी विजिट करिए, क्योंकि इससे तो इंस्पिरेशन मिलता है हम लोगों का, जवानों लोगों का। आप आके जब बताएंगे, आप बताएंगे इन्होंने क्या कष्ट झेलते होंगे यहाँ पे, इस मौसम में एडवर्स कंडीशन में कैसे इन्होंने ड्यूटी करता है, ये सारे चीज़ जब तक आप आगे जाके बताएंगे नहीं, तब लोग तब तक इनका जो हौसला और इनका जो मोरल आप कैसे रहेगा। तो ये है हमारा गुजारिश, आइए जरूर, कष्ट थोड़ा सा आप जरूर सही है पर देशवासी देखेगा यहाँ एक जगह है हमारे इंडिया में, और यहाँ पे सेना जो है कैसे इन्होंने यहाँ पे ड्यूटी करता है 24 घंटा यहाँ पे एडवर्स कंडीशन में ड्यूटी देता है। तो आप जब चुसुल से आएंगे आपको राइट साइड में एक लेक दिखाई देगा, इसमें देखिए फ्रोजन लेक है, हल्का सा लेयर ऊपर जम गया है, और हम लोग थोड़ा सा चेंज ओवर कर लिया कपड़ा वाई, बिकॉज थोड़ा काफ़ी गर्मी लग रहा है इस एरिया में, थोड़ा सा गर्मी फील हो रहा है, तो हमारा जो स्वेटर वगैरह था वो हमने रिमूव कर दिया। यहाँ पे देखिए रोड मार्किंग तो कुछ है नहीं, बट इन्होंने पत्थर से आपको कुछ इंडिकेशन दे रहा है भाई, इस दोनों साइड का पत्थर का बीच में से जाइए, यहाँ पे कुछ लिखा है एंट्री रेस्ट्रिक्टेड टू मिलिट्री व्हीकल्स ओनली लेफ्ट साइड में, जो है हमें जाना है राइट साइड में। राइट साइड में पहाड़ में देखिए थोड़ा सा हल्का हल्का बर्फ भी दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे पत्थर तो नहीं है बट धूल बहुत है इस रोड पे, और सेम दोनों साइड में पत्थर देख के
आप चलते रहिए। हम लोग बिल्कुल LAC के बराबर में पैरेलल ही चल रहा हूँ, बट अभी तक हमें कोई परमिट का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा। इस एरिया में आपको होम स्टे भी मिल सकता है, क्योंकि बोर्ड में हमने देखे हैं, और ये 37 किलोमीटर है कुछ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये एक पॉइंट मिला हमें, यहाँ पे परमिशन का रिक्वायरमेंट पड़ा, ये परमिशन चेक करा रहा हूँ। यहाँ पे चेकिंग हुआ, हमें परमिट ऑनलाइन जो लिए थे उसको हमने सबमिट करना पड़ा, एक कॉपी गाड़ी का, ड्राइवर का, सारे डिटेल्स उन्होंने लिए, हमारा जो मैन पावर है टोटल डिटेल्स लेने के बाद हमें आगे जाने दिए। परमिट साथ में इस रोड पे आना है तो ज़रूर आपको चाहिए होंगे परमिट, और वो ऑनलाइन में ही आपको मिलता है। उसके लिए चार्जेस लगता है, समवेयर 600 रुपया करीब आपको चार्ज लगता है, और पर डे का हिसाब से 20 रुपया करके आपको एनवायरमेंट चार्ज भी देना पड़ता है यहाँ पे। तो आप देखिएगा, जब भी लॉग इन करेंगे मैं उसका डिटेल्स दे दूँगा, जब लॉग इन करेंगे तो उसमें सारे आ जाएगा। उसमें एक चीज़ है, सर्किट आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा सर्किट का विजिट करना चाहते हैं उस हिसाब से। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, आप सारे सर्किट को आप टिक कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, उसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप चाहे एक सर्किट का लिए आप अप्लाई करें, या दो के लिए, या सारे के लिए, तो सारे एक ही पैसा है, तो बेटर आप कर दीजिए। यहाँ आने के बाद अगर मूड बन जाए भाई वहाँ भी जाना था, वहाँ भी जाना है, तो उसके लिए आप काम आएगा आपका। तो सारे उस चीज़ को ध्यान रखिए जब अप्लाई करेंगे। देखो वहाँ बर्फ दिखाई दे रहा, और हम जा रहे हैं धूल में से, मतलब सैंड में से, सैंडल्स भी यहाँ पे है और बर्फ भी वहाँ पे है। बोलते कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट एरिया। यहाँ डेजर्ट पे देखिए थोड़ा सा ये कैक्टस टाइप पेड़ है, यहाँ पे काटेले है ये सारे पेड़ जो। भाई चलो चलो दोस्त, देखिए हमारा लेफ्ट साइड से जो रिवर जा रहा है ये इंडस रिवर है, और रिवर बैंक से हम लोग जो रोड जा रहा है इसी रोड से हम फॉलो करते हुए जा रहा है। फिलहाल हमें खाने के लिए देखिए अभी ये खाते हुए चलेंगे आगे। अभी सवेरे का टाइम है 11:24 टाइम है, बड़ा मुश्किल से हम जा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए रोड का कंडीशन बहुत ही जर्जर है। यहाँ से आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपका स्पीड 20 से ज़्यादा आप जा ही नहीं सकते हो। और लेफ्ट साइड में देखिए इंडस रिवर है। अभी 5 मिनट के लिए हम लोग रुके हैं यहाँ पे, पानी पुनी पी लेते हैं, केला वगैरह खा लेते हैं और आगे चलेंगे। और यहाँ का जो पहाड़ देखिए, ये देखिए हल्का छोटा छोटा पत्थर है, और ज़्यादातर रेत इसमें दिख रहा है आप, और आसमान में जो बादल है बिल्कुल स्टैटिक है, कोई उसका मूवमेंट नहीं है। बहुत बड़े बड़े अक्षरों में दोस्त देखिए हम लोग पहुंच गए हैं लुमा। यहाँ से राइट साइड में जाएंगे तो आप ले पहुंचेंगे, और लेफ्ट साइड में है हांडले। तो ये जो रोड हम लोग फॉलो किया, इस रोड पे बहुत ही कम लोग विजिट किए अभी तक जो देखे हमने। अगर पंगोंग लेक से आना चाहते तो इस रोड भी फॉलो कर सकते हो आप, बट रोड कंडीशन हमने आपको दिखा दिया। और ले जाने के लिए रोड यहीं से चालू होता है, ये लुमा से ये ज्वाइंट हो रहा है हमारा रोड, ठीक है। यहाँ पे टी जंक्शन मिलेगा, राइट में जा रहा है ले, लेफ्ट में जा रहा है हांडले। ये देखिए एक ब्रिज है, इस ब्रिज को क्रॉस करके हम जाएंगे हांडले की ओर। देखिए हम लेफ्ट टर्न ले लिए और यहीं से हम जागे। ये लुमा में आपको जो परमिट है, परमिट आपको दिखाना पड़ेगा। आप अगर पेंगोंग लेक से आ रहे हो, इन बिटवीन एक जगह चेक किया गया है, और लेफ्ट साइड से आ रहे हो तो यहाँ पे इस जगह लुमा पे आपको परमिट चेक कराना होगा। गाड़ी हमने साइड कर दिया, और ये देखिए परमिट हमारे पास है, परमिट लेकर के उनको हम दिखाएंगे। लेफ्ट साइड में आप देखो ये जो रिवर है ये तिब्बत से आ रहा है, ये इंडस रिवर है, ये जाएगा आपका पाकिस्तान में, बन जाएगा सिंध रिवर, और इंडस घाटी है ये इस एरिया कंप्लीट। और देखिए जो इंडस रिवर देख रहा है, रिवर का बीच में एक JCB, वो जो ये जो ब्रिज बना रहा है ये हम लोगों के लिए बना रहे थे, वो बीच में नीचे गिर गया। आप देखिए जैसे लोमा ब्रिज क्रॉस किया, और यहाँ का रोड देखिए अभी बहुत ही सुंदर रोड है, जस्ट इन्होंने नया बनाया होगा, रिपेयर किया होगा, क्योंकि जो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जो पट्टी देख रहे हैं ना पीला वाला,
बिल्कुल अभी नया है, नए इसको पेंट किया गया है। हाल ले यहाँ से 2,342 किलोमीटर अभी रह गया है और यहाँ का रोड कंडीशन बढ़िया है। लेफ्ट साइड में देखिए रेतीली पहाड़ है, राइट साइड में जमीनी मैदान है और सामने रिवर है। जैसे कि हमें लग रहा है कोई राजस्थान का किसी जगह से हम जा रहे हैं, जैसे जैसलमेर जगह पे हम लोग गुजर रहे हैं, सेम वही व्यू वही लुक दिख रहा है। मैं यहाँ का व्यू दिखाते जाऊँगा और एंजॉय करते रहिए आप। हमने रिजंगला जो वॉर मेमोरियल था वहीं से हम स्टार्ट किए थे 10 बजे करीब और अभी समय है 1 बजे का और किलोमीटर मैंने पहले ही बता दिया। देखिए यहाँ का व्यू देखिए, ये हनले हम लोग पहुँच गए और वहाँ पे हनले केव्स जो है, गुम्फा जो होता है वो ऊपर है, वहाँ पे विजिट करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक मिल्की वे कैफ़े है, यहाँ पे थोड़ा देखते हैं क्या खाना पीना हम करते हैं, फिर आगे जाएंगे उंगलिंगला। हम यहाँ से आगे चलेंगे, हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है आजकल उंगलिंगला है, पहले तो आपका वो था खाडुंगला बट नावे डेस उंगलिंगला, तो हम चलेंगे उंगलिंगला। क्या मिलता है खाना पीना में यहाँ पे? सब मिल जाता है, मोमो क्या, चावल वगैरह नहीं मिलता, रोटी चावल ये सब नहीं मिलता है? बिरयानी मिलेगा। दिस कैफे इज रन बाय आर्मी पर्सनल, लेकिन आप यहाँ पे आकर के खाना पीना भी आप खा सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने ऑर्डर दिया है चिकन बिरयानी, तो आज हमारा लंच यहीं पर हो रहा है, 1 बजे का समय है और लंच यहाँ करके फिर आगे जाएंगे उंगलिंगला। ये देखिए बहुत ही खूब सुंदर व्यवस्था है यहाँ पे बैठने के लिए, खाना पीना खाने के लिए बहुत सुंदर है। मेनली जो हनले गुम्फा होता है वो गुम्फा हमारा पीछे देखिए पहाड़ी के ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको, वो है वहाँ पे हमें जाएंगे। बट ये जस्ट एंट्री पॉइंट है हनले का, यहीं पे जैसे आप एंट्री करेंगे सबसे पहले लेफ्ट साइड में ये कैफ़े आपको देखने को मिलेगा। रेट मैं एक बार बता देता हूँ, ये देखिए रेट बहुत ही रिजनेबल रेट है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही नीट एंड क्लीन प्लेस है बैठने के लिए आपको, बहुत ही सुंदर जगह है। और सबसे बढ़िया यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम का सुविधा भी आपको मिल सकता है, सुबह 8 बजे से शाम को 7:15 बजे तक इसका टाइमिंग है। और यहाँ पे जो नेटवर्क है मोबाइल नेटवर्क, आपको एयरटेल या जियो यहाँ नहीं चलेगा, ओनली BSNL इस एरिया में आपको यूज़ में ला सकते हो। हमारे पास एयरटेल है और जियो है बट हम घर में बात नहीं कर पा रहे ना कोई यूज़ में हम कर पा रहे हैं। BSNL का एक सिम आप ज़रूर लेके आइए, काफ़ी कारगर होता है, काफ़ी यूज़फुल है BSNL का सिम। सो फाइनली हमारे पास आ गया सामने चिकन बिरयानी, ये देखिए 1 पीस 2 पीस चिकन। ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए दोस्त हम अभी ओके एक्शन। लद्दाख टूर का इस एपिसोड के लिए इतना ही दोस्त, आगे एपिसोड के लिए मैं आपको ले चलेंगे उमलिंगला जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वर्ल्ड में, 19,224 फीट हाइट पे है। पहले तो खाडुंगला था, अभी नावे डेज ये बन गया सबसे ऊंचा उमलिंगला हाईएस्ट मोटरेबल रोड, तो वहाँ पे भी हम आपको विजिट कराएंगे। तो मेरा ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करिए, शेयर करिए, लाइक्स करिए, कुछ सजेशन है तो ज़रूर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और आगे बहुत सारे वीडियो अपलोड होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करिए। धन्यवाद, सबका खैर, खुश रहे, कुशल रहे।